और इनका मालिक कौन है? तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो भी खुशी है। अपने से कार्यालय जाकर कह रहे हैं कि नेताजी थोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है, छड़ी निशान है। पिछली बार लोगों ने छड़ी को ही जिताया था। बोलिए भाई, सही है ना? जी सही, सही है। पिछली बार भी लोगों ने छड़ी को जिताया था, जरा पूछा जाए कि भूल गए हैं कि याद है। तो इस बार लोगों को जब हम लोगों ने चाय पीने आया तो चर्चा हुई, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं छड़ी याद है। घोसी लोकसभा चुनाव में सियासी रार लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उलूल जुलूल बयान भी इन समय खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ये चाहे इनका चुनावी स्टंट हो या हो वोटर्स का ध्यान खींचना। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ आज उनका वीडियो वायरल हुआ जहां पर मनोज राय को उन्होंने नौकर बता दिया और खुद का मालिक, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने छड़ी निशान की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी छड़ी जीती थी और इस बार भी छड़ी जीती है, मैं बीजेपी के लिए नहीं आया हूं। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां भूमिहार समाज के कई नेताओं ने इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया, वहीं भूमिहार समाज से ही बड़े नेता राजीव राय ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओपी राजभर का बयान सामने आ रहा है, यह कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाला है और भूमिहार समाज के लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब तो समझ जाना चाहिए कि न सिर्फ ये उनसे नफरत करते हैं जिनको माँ बहन की गालियाँ देते हैं और जूते मारने की बात करते हैं, बल्कि उनके चुनाव चिन्ह से भी नफरत करते हैं। कि जिस पार्टी के सहारे ये मंत्री बने हैं, जिस पार्टी ने इनको पावर दिया है, उसके चुनाव चिन्ह से भी इनको नफरत है। उनके मंत्रियों, उनके सर्वोच्च नेताओं के बारे में जो अपशब्द बोले थे, गालियाँ दिया था, जूते मारने की बात किए थे, अब इसके बाद क्या बचा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उनके साथ खड़े हों। मुझे तो खेद है उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिनके साथ चल रहे हैं, मुझे उन पर दुख होता है कि अपने सर्वोच्च नेता के बारे में पहले गाली सुने, इनसे माँ बहन की गाली सुने, अपने केंद्रीय मंत्री के बारे में कार्यकर्ताओं को जूते मारने की बात सुने, अब ये उनके चुनाव चिन्ह के बारे में भी बोल रहे हैं कि मैं इसीलिए मैंने कमल नहीं लिया, छड़ी लिया, छड़ी कमल के सहारे आज खड़ी है। तो अगर उनके चुनाव चिन्ह से भी इनको इतना नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनसे मोहब्बत क्यों करेंगे? हो सकता है कुछ नेताओं की मजबूरी हो सरकार में रहने की वजह से कि इनके साथ चलने का दिखावा करें, लेकिन मन से कोई इनके साथ है नहीं। जिनके आस पास चल रहे हैं सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। भीड़ तो खूब हो रही है। कहाँ भीड़ हो रही है? भाड़े के भीड़ से कुछ नहीं होगा। भीड़ तो इन्होंने 2023 के उपचुनाव में भी दिखाया था, बोले थे कि जितनी बड़ी भीड़, ऐतिहासिक भीड़ थी, जनता ने दिखा दिया भीड़ कहाँ है। और भीड़ मैंने भी देखा, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही, इसीलिए कभी जनता में नहीं जा रहे हैं। एक मोहल्ले में इकट्ठा करते हैं, एक हॉल में लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने कुछ लोगों को खड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लखनऊ से, दिल्ली से दबाव डलवाते हैं कि इनके साथ चले। मन से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इनके साथ नहीं, नेता साथ है, क्योंकि गाली तो उनको भी दिए थे ना। अब तो उनके चुनाव चिन्ह के प्रति नफरत के भाव के बाद क्या बचा है? वो तो लोग मालिक मालिक कर रहे हैं। क्या भाई मालिक हैं हमारे? अब उनकी मजबूरी क्या रही है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारा समाज बहुत गुस्सा में है। इस तरह के सार्वजनिक बेइज्जती करने का दुस्साहस ओम प्रकाश राजभर ने उस समाज को किया है जो कभी न किसी का अपमान करता है न मान बर्दाश्त करता है। 7 दिन में उन्होंने खदेड़ा होने का अल्टीमेटम दिया है। 3 दिन बाद भाग जाने वाले हैं क्या? वो 15 दिन पता है, अब शायद 7 दिन बाद वापस चले जाएंगे।
हम तो 12 साल से यहाँ हैं, जो 12 साल से यहाँ है उसको 7 दिन में खदेड़ने की हैसियत किसी में नहीं है। यह अहंकार अपने पास रखो ओम प्रकाश राजभर जी, और मंत्री का ध्वंस उनको दिखाओ जो आपके नीचे हैं, और जितना ध्वंस दिखाओगे उतने आपकी दुकान बंद हो जाएगी।